बॉयज कौन कहता है कि यार यू नीड अ मर्सिडीज या जो है ना लैंड क्रूजर जो है ना बर्गर एंजॉय करने के लिए। रोड रोड पे बैठे हुए बात हुए और ये ओएमजी है ये ओ माय ग्रिल ओके ओ माय ग्रिल ये भाई शुक्रिया करना बट बाद में भाई। मसला ये कि जब भी सोने जाओ ना तो आई फील लाइक कि मैं तब भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। इससे मुराद ये कि मैं जब भी ब्लॉगिंग का सोचता हूँ ना आई फील लाइक कि मुझे वो एक किस्म की परफेक्शन जो है ना वो अचीव करनी है हर ब्लॉग में। अब उसकी कॉस्ट जो है और उसकी कॉस्ट जो है वो है मेरी अपनी ज़िंदगी या मेरा अपना दिन या मेरा अपना टाइम यू नो भाई। देयर इज़ अ बट ये एक बुरी बात नहीं है। किसी चीज़ में अच्छा बनना किसी चीज़ में परफेक्ट तो नहीं बन सकते किसी भी चीज़ में बट किसी चीज़ में अच्छा बनना या उसकी चाहत रखना इज नॉट अ बैड थिंग। बुरी बात नहीं है ये बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप जीना ही भूल जाओ। आपकी अपनी लाइफ भी है आपके अपने दोस्त भी हैं आपका अपना फन टाइम भी है आपकी फैमिली भी है उनके साथ घूमना भी है। यू गेट द पॉइंट राइट यू गेट द पॉइंट। तो मैं ये पहली दफ़ा नहीं कह रहा भाई जो भी व्लॉगर है ना दुनिया में कहीं पे भी भले पाकिस्तान में हो कहीं पे भी हो सही है भाई आई कमेंड यू क्योंकि व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी। किसी महान बंदे ने कहा है कि भाई यार कैसी नाइस्टेड की तरह गाड़ी से कैमरा उठाना फिर गाड़ी में रखना फिर बैठना फिर गाड़ी में उठाना फिर बाहर रखना फिर गाड़ी में बैठ के आगे जाना फिर रोकना फिर कैमरा उठाना यू समझ हो गए होगा राइट। तो ये सब करना ईजी नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है ईजी नहीं है ये सब करना। तो जो भी कोशिश कर रहा है ना भाई मैं ये नहीं चाह रहा कि आप कैसी नाइस्टेड वाली जो है ना लेवल पे आ जाओ नहीं 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 बट आप कोशिश कर रहे हो ना अच्छा बनने की आई कमेंड यू एंड आई सपोर्ट यू। फ़र्क तो नहीं पड़ता होगा बट वो आई डू क्योंकि मैंने जब व्लॉगिंग शुरू की थी तो आई थॉट इट वॉज ईजी यू नो बस कैमरा उठाना है और बस रिकॉर्ड करना है। खैर अब ये बोरिंग मैसेज मैंने दे दिया लेट्स स्टार्ट द व्लॉग सही है। बाय द वे अगर कोई व्लॉगिंग करने की ट्राई कर रहा है या व्लॉगिंग कर रहा है अभी करंटली जो है ना तो भाई डोंट गिव अप सही है इट्स ऑसम सही है। और भाई अपने काम से प्यार करो क्योंकि अगर कोई और आपके लिए तालियां नहीं बजा रहा तो आप अपने लिए खुद तालियां बजाओ। दैट्स ये जो है ना वो है क्या है। खैर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। घर में ऐसे सिनेमैटिक्स हैं तो बाहर कैसे होंगे। खैर भाई अपना इशू ये है कि एक तो कोरोना है भी नहीं है और दूसरा गाड़ी नहीं है तो बाइक पे जाना कैमरा वगैरह लेके नहीं जा सकते या जा सकते हैं भाई। यू थिंक कि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो आपके दोस्त आपकी सपोर्ट करेंगे भाई आपके केस में ऐसा होगा मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त मेरी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं। अब मैं उसी को अभी वही मैसेज कर रहा हूँ उसी हवाले से मैसेज कर रहा हूँ कि भाई ये कोई तरीका नहीं है यू आर सपोज टू सपोर्ट मी। भाई वो टाइम कब आएगा कि हमारे पास ऑटो फोकस वाला कैमरा होगा ये नहीं ऑटो फोकस वाला अच्छा माइक होगा यू नो बाहर ब्लॉग होगा कलर ग्रेडिंग होगी सिनेमैटिक्स होंगे यू नो मतलब अच्छा ब्लॉग होगा ये बोरिंग घर वाले ब्लॉग नहीं होंगे। खैर एक और सह लो भाई मुराद ये एक और से मुराद ये कि अब कोई आइडिया नहीं है कैमरा कब आएगा कोई आइडिया नहीं है गाड़ी कब आएगी कोई आइडिया नहीं है घूमने कब जाएंगे सब। तो भाई आदत डाल लो अगर इस तरीके की बोरियत वाले व्लॉग अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ तो भाई उसमें थोड़ी बहुत मेहनत लगती है भाई तो अप्रिशिएट किया करो यार। खैर आज कोशिश करता हूँ कुछ ढूंढने का क्योंकि मैं बोर नहीं करना चाहता अपने आप को भी और तुम लोगों को भी सही है। तो क्या करें
तो अब वो होगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं होगा ऐसा कुछ भी, इस वीडियो में वो छोटा सा मैसेज देना था। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, अगली वाली में मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Ugh.